ईस्वी का 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी के अंदर कनौज के शासक राज्यपाल के यहाँ हुआ, जिसमें राज्यपाल पराजित हुआ। उसके बाद महमूद गजनवी कनौज से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, बुलंदशहर पहुंचते हैं और बुलंदशहर का शासक था हरिदत्त। वो महमूद गजनवी के आक्रमण से इतना भयभीत हो जाता है कि आत्मसमर्पण कर जाता है। उसके बाद महमूद गजनवी आगे की ओर महास्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। महास्थान का शासक था, बहुत ही वीरतापूर्वक वीर योद्धा था, जिसका नाम था कुलचंद। कुलचंद और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध होता है और कुलचंद बहुत ही वीरतापूर्वक महमूद गजनवी का सामना करता है, लेकिन आखिर में कुलचंद को ये साहस हो जाता है कि अब जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुलचंद अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कुलचंद अपनी दोनों पत्नियों के गले काट देता है और खुद आत्महत्या कर लेता है। महमूद गजनवी इसको देखकर बहुत ही भयभीत होते हैं। इतनी वीरतापूर्वक शासक की महमूद गजनवी ने पहले नहीं देखा। अगर दोस्तों महमूद गजनवी भारत पर क्यों आक्रमण करता है, इसके कारण देखें, तो हमें महमूद गजनवी का मूल्यांकन देखना पड़ेगा। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी में एक इतिहासकार प्रोफेसर हबीब कहता है कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने का पहला जो कारण है, वो प्रोफेसर हबीब कहता है कि उसने अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किए थे, जिससे भारत के मंदिरों को लूटने का मेन कारण यही था कि वहां मंदिरों में बहुत ज्यादा सोना था। उस सोने को प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, प्रोफेसर हबीब के अनुसार। प्रोफेसर नाजिम ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने जहां हिंदू शासकों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, तंग किया था, तो उसने मुस्लिम शासकों को भी बहुत ज्यादा परेशान किया था। ऐसा नहीं है कि उसने ओनली फॉर हिंदू शासकों को ही तंग किया, मुसलमान शासकों को भी बहुत ज्यादा परेशान किया था, तंग किया था, बहुत ज्यादा उनके साथ भी युद्ध हुए थे। उसके बाद महमूद गजनवी का इतिहासकार जो था दलवी और उत्वी ये कहते हैं कि महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे भारत पर, उसको उत्वी ने जिहाद का नाम दिया था। उसका कहना था कि महमूद गजनवी जहां भी आक्रमण करता था वहां पर इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। तो ये महमूद गजनवी और कुलचंद शासक की वीरतापूर्वक एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।